केंद्रीय राजधानी दिल्ली में हुए नाबालिग लड़की के हत्याकांड मामले में मध्य प्रदेश में भी गुस्सा देखा जा रहा है। अशोकनगर में राष्ट्रीय बजरंग दल ने बुधवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया और आरोपी को फांसी देने की मांग की है। बता दें कि 28 मई को केंद्रीय राजधानी दिल्ली में लव जिहाद के चलते आरोपी साहिल ने नाबालिग लड़की की विभत्स हत्या कर दी थी। इस घटनाक्रम को जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई थी। आरोपी के द्वारा हत्याकांड को अंजाम देते वीडियो भी सामने आया था। आरोपी ने लड़की पर करीब 20 बार चाकू और कई बार सिर पर पत्थर फेंका था। हालांकि बाद में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन नाबालिग लड़की के हत्याकांड का गुस्सा मध्य प्रदेश में भी देखा जा रहा है। बुधवार को अशोकनगर जिले में राष्ट्रीय बजरंग दल कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचा। इस दौरान राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला अध्यक्ष राजेंद्र नामदेव, प्रांत महामंत्री अनिल अग्रवाल समेत कई कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया और आरोपी के खिलाफ एक सख्त कानून बनाने की मांग करने के साथ ही फांसी की सजा देने की मांग की है। महाराज, क्या नाम है आपका? पंडित गौतम रामानुज दास। आप अशोकनगर ही रहते हैं? जी, अशोकनगर, जिला अशोकनगर। ये जो आज ज्ञापन दिया गया है, किस बाबत दिया है? दिल्ली में जो नाबालिग लड़की साक्षी का जो मर्डर हुआ है, साहिल नाम के मुस्लिम ने, उसको फांसी की सजा दिलवाने की तथा उस साक्षी के परिवार को न्याय दिलवाने के इस पक्ष में हमने जो है कार्यक्रम रखा है। आपके दल द्वारा ये किस बाबत दिया गया है? विगत दिवस राजधानी दिल्ली में एक मुस्लिम युवक साहिल द्वारा नाबालिग की 16 साल की बालिका जिसका नाम साक्षी था, उसकी चाकुओं से गोद कर और उसके बाद भी उसका मन नहीं भरा तो उसने उस पर सर पर पत्थर पटक कर उसकी निर्मम हत्या कर दी है। उसके संबंध में संगठन देशद्रोही आवेदनों का कार्यक्रम कर रहा है और राष्ट्रपति महोदय से उस घटना में लिप्त साहिल खान की यथाशीघ्र ट्रायल कोर्ट में फांसी की मांग भी करता है। साथ में पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपये का मुआवजा और परिवार में एक व्यक्ति को केंद्र सरकार में नौकरी के लिए भी मांग करता है। साथ ही हमने राष्ट्रपति महोदय से ये निवेदन किया है कि इस स्थिति को देखते हुए कि संपूर्ण देश में लव जिहाद के कई मामले आ रहे हैं, हाल ही में हमने केरला स्टोरी में भी इस तरह की घटनाओं को टीवी के माध्यम से देखा है, तो केंद्र सरकार इस पर जल्द से जल्द कोई केंद्रीय कठोर कानून बनाए लव जिहाद को लेकर। ये सब संगठन की मांग है। ज्ञापन देने के दौरान बड़ी संख्या में बजरंग दल के पदाधिकारी समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। अशोकनगर से सुनील तनेजा की रिपोर्ट।